Welcome, guys. Finally, वो घड़ी आ गई जहां पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरा स्टूडियो टूर, गाइज. अगर आप लोगों ने सबसे पहले एम्प्टी हाउस टूर नहीं देखा है ना इस घर का, तो प्लीज़ वो देख लो. ये मैंने लिंक कर दिया है ऊपर, वो देखना बहुत ज़रूरी है ताकि आप लोग को फ़र्क पता चले कितनी मेहनत गई है इस घर को डेकोरेट करने में. ओके, तो जिन लोगों को नहीं पता है, सबसे पहले शॉर्ट में बता देती हूँ, ये घर एक 1 BHK है, यानी कि 1 बेडरूम हॉल एंड किचन. और ये मेरा खुद का खरीदा हुआ घर है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट. एंड दिस इज माई फर्स्ट एवर प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जो मैंने की है. एंड थैंक्स टू ऑल ऑफ यू गाइज फॉर मेकिंग दिस हैपन. थैंक यू सो मच. And now let's quickly start the studio tour. Okay, तो इस वक्त हम खड़े हैं इस 1 BHK के हॉल में, यानी कि लिविंग एरिया वाला जो स्पेस है, यहाँ से हम घर में एंटर होते हैं. सो मेरा क्या है ना, मुझे घर में बहुत अच्छा लगता है अगर मैं दरवाज़ा खोल के बैठूं, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे थोड़ी सी प्रिवेसी भी चाहिए होती है. तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे कर्टन्स लगा लिए हैं ऐसे वाइट कलर के, बहुत सुंदर बाहर से हवा आती रहती है और ये ऐसे फ्लो करते रहते हैं, तो इट लुक्स वेरी नाइस एंड वेरी प्लेजेंट. तो यहाँ से हम एंटर होते हैं घर में. तो सबसे पहले अगर आप देखोगे लेफ्ट पे, मैंने यहाँ पे एक बैग को हैंग किया हुआ है. नाउ व्हाट इज़ दिस बैग फॉर? ये बैग वो है जो मैं एक्चुअली ऑफिस आने जाने के लिए यूज़ करती हूँ, यानी जब मैं आती हूँ तो मैं अपने घर से इसी के अंदर जो भी सामान लाना होता है, चाहे वो मेरा फ़ोन हो, चार्जर हो या लैपटॉप हो, वो सब कुछ इसी में लाती हूँ. एंड जाते हुए भी यही एग्जैक्टली मैं करती हूँ, इसी में सारा सामान डालती हूँ जो भी मुझे लगता है कि मुझे घर लेके जाना है. एंड देन बगल में मैंने यहाँ पे एक अच्छे खासे साइज का प्लांट रखा हुआ है, और ये प्लांट यहाँ पे येलो कलर का है. दैट्स व्हाई आई जस्ट मेड श्योर कि मैं ना ये बैग भी उसी के आसपास का लूँ, मतलब ऐसे येलो शेड. बट बाय चांस हुआ है कि मुझे एग्जैक्ट येलो बैग मिल गया, एटलीस्ट इसके हैंडल्स मिल गए, सो दिस इज मेकिंग सेंस. नाउ इसको मैंने यहाँ पे रखा हुआ है एक बहुत ही सुंदर से रग पे जो मैंने लिया है अमेजोन से. तो ये मैंने यहाँ पे सेटअप किया है. अब इसके बाद अगर आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे मैंने 2 शेल्व्स लगाए हैं, और सबसे पहले शेल्फ पे यहाँ पे है मेरा प्ले बटन जो मुझे जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हुए थे तब YouTube की तरफ से मिला था. हर किसी को मिलता है, मुझे भी मिला, और उसको मैंने यहाँ पे फ्रेम करके लगवा लिया है. साथ में हमने यहाँ पे 2 कैंडल्स रखी हुई हैं जो मैंने प्योर होम लिविंग से ली थी. और उसके बाद नीचे वाले शेल्फ पे एक लाइट बॉक्स है जो मुझे मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था. यहाँ पे हम लोगों ने बस अभी के लिए कुछ भी लिख के लगा दिया, बट आई थिंक इट मेक्स टोटल सेंस बिकॉज इट्स वर्क स्पेस. तो यहाँ पे हमने लिखा है बिहेव इट्स अ वर्क स्पेस, और इसमें से लाइट्स चेंज होती रहती हैं, तो इट लुक्स वेरी कूल. और साथ में यहाँ पे एक छोटा सा ऐसे वास है और उसके अंदर फ्लावर्स हैं. सो दिस इज़ द सेटअप वी हैव डन इन दिस एरिया. नाउ मूविंग ऑन टू द सोफ़ा वाला एरिया. यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे काउच लगाया है रेड कलर का. जब मैं घर ले रही थी या फिर जब मुझे हमेशा से लगता था ना कि मुझे ना सोफ़ा जो रखना है ना लिविंग एरिया में, आई ऑलवेज वॉन्टेड अ रेड, मुझे चाहिए ही था रेड. तो जब मैंने शुरू किया घर का काम, आई थिंक दिस वॉज फर्स्ट या फिर वन ऑफ द फर्स्ट जो चीज़ थी वो मैंने यही खरीदी थी, विच वॉज़ अ रेड सोफ़ा. आई गॉट दिस फ्रॉम आईकिया. उसके ऊपर मैंने ये येलो कलर के, एक्चुअली अगर आप देखोगे तो रेड, येलो, गोल्डन इसी तरीके के कलर्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, बट ये आई यूज्ड मैनी अदर कलर्स. आई बेसिकली केप्ट इट वेरी कलरफुल, द होल वाइब इज़ वेरी कलरफुल. उसके ऊपर मैंने येलो कलर के कुशन्स रखे हैं जो मैंने प्योर होम लिविंग से लिए थे. एंड देन यहाँ कॉर्नर में अगर आप देखोगे तो आईकिया का एक टेबल पड़ा है, ट्रे टेबल, और उसके ऊपर ये प्योर होम लिविंग का एक लैम्प है जो इस वक्त नहीं जग रहा है क्योंकि उसके अंदर अभी बल्ब नहीं है. हमने बहुत कोशिश की स्टूडियो टूर से पहले बल्ब लेने की, बट किसी ना किसी कारण से बस वो रहता रहा. एनीवे, तो यहाँ पे 2 कैंडल्स हैं प्योर होम लिविंग की, और ये मग है जो बहुत सुंदर मग है, जो अभी रीसेंट एडिशन है मेरे घर में, क्योंकि ये मुझे मेरी फ्रेंड ने क्रिसमस और न्यू ईयर का एक गिफ्ट दिया अपर्णा ने, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है बिकॉज इट्स गोइंग वेरी वेल विद माई सोफ़ा एंड एवरीथिंग. यहाँ पे जब हम आते हैं तो यहाँ पे मैंने एक होम सेंटर का एक ऐसा बहुत ही सुंदर सा ऐसे एक स्टेटमेंट पीस लगाया है. मिरर है बेसिकली और टांगने वाला है. ये आजकल बहुत ट्रेंड में है, बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं. आई नो इट्स एवरीवेयर, बट आई रियली लाइक इट. आई लाइक ये तो मुझे चाहिए ही चाहिए. एंड देन दिस स्पेस वॉज एम्प्टी ऑल्सो एट दैट पॉइंट, तो मैंने कहा चलो ये यहाँ पे आ जाएगा. नाउ अगर आपको दिखेगा आप बोलोगे यहाँ पे कर्टन क्यों लगाया और इतनी सारी लाइट्स क्यों लगाई हैं. अगर मैं आपको इसके पीछे का मंजर दिखा दूँ ना तो आप कहोगे व्हाट. इसके पीछे ना, मतलब हल्का सा आइडिया देती हूँ,
ऐसे बहुत सारे बॉक्सेस हैं, इतने सारे बॉक्सेस हैं कि इनको किसी पेंटिंग से या किसी भी चीज़ से कवर करना बहुत मुश्किल हो रहा था. आई थॉट अबाउट 1000 थिंग्स बट कुछ भी सेट नहीं आ रहा था, बिकॉज फ़ोन यहाँ है, वाईफाई यहाँ है, किसी चीज़ का राउटर यहाँ है, मतलब बहुत चीज़ें हैं. इलेक्ट्रिसिटी का जो वो बोर्ड होता है एक, वो भी यहाँ पे है पूरे साइज़ का. तो मुझे नहीं समझ आ रहा था मैं क्या करूँ. तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ऐसे फुल साइज़ का पर्दा डाला. एक्चुअली ये भी फुल साइज़ का नहीं है, आई हैड टू कर्टन्स रिमेनिंग और मैंने उनको आपस में ये जुड़वा के, यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे स्टिच भी आ रहा है, जुड़वा के एक फुल साइज़ का कर्टन बना लिया और उसके ऊपर यहाँ पे फेरी लाइट्स लगा दी हैं सो दैट थोड़ा सा बेटर लगे. ओके, उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे. मैंने आइकिया का एक टेबल रखा हुआ है. आई रियली वॉन्टेड कि कोई स्टोरेज वाला टेबल हो जिसके अंदर सामान भी आ जाए, बिकॉज इफ़ अ फर्नीचर पीस इज़ टेकिंग सो मच ऑफ स्पेस, इट्स बेटर अगर उसमें स्टोरेज हो. बट देन आई कुडंट फाइंड एनीथिंग दैट वॉज गोइंग विद द वाइब ऑफ दिस हाउस, सो आई वेंट फॉर दिस वन. इट्स अ ब्यूटिफुल टेबल. वाई, सुंदर तो है ही दिखने में, काफ़ी हल्का है, जो मर्जी करते रहो इसके साथ. और ग्रे और वाइट कलर का है. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे आपको मिल जाएंगे, जिसके मुझे मिल जाएंगे वो आपको मिल जाएंगे फॉर श्योर. नाउ इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये एक बहुत सुंदर सा एक पीस पड़ा है, जो एक टेबल मैट है एक तरीके से. ये ग्रीन कलर का है. इसके ऊपर ना इतना सुंदर ऐसे वर्क हो रखा है, ऐसे मोती और सिप्पी ये सब लगे हुए हैं. तो या आई थिंक दिस इज़ ऑल दैट आई हैव डन ऑन दिस टेबल. क्यों मैंने इस टेबल पर कुछ भी नहीं रखा है, उसका यही कारण है कि इस टेबल पर बैठ के, टेबल पे बैठ के नहीं, उस सोफे पे बैठ के और इस टेबल पे सामान रख के मैं काफ़ी काम करती हूँ. दिस इज़ एक्चुअली माई स्पेस. यहीं बैठ के ऑफिस का मैं सारा काम करती हूँ इफ़ वी आर नॉट शूटिंग. तो अगर यहाँ पे बहुत सामान होगा ना तो वो यार बहुत मैसी हो जाएगा और बहुत इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा. तो आई कीप दिस टेबल बिल्कुल से खाली सो दैट मुझे यहाँ पे लैपटॉप रख के काम करना है, कुछ भी रख के काम करना है, आई हैव अ लॉट ऑफ स्पेस. अब इस टेबल के नीचे मैंने ये एक रग डाला है, काफ़ी मीडियम साइज़ का है, इट्स नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग ऑल्सो. वाइट और ग्रे कलर के थ्रेड का इस्तेमाल हुआ है. दिस ऑल्सो आई गॉट फ्रॉम बंजारा मार्केट. इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये एक ऑटोमन पड़ा है, जो मुझे एक मैक्रमे आर्टिस्ट है विश्वा नरवाल, उन्होंने भेजा था. एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुल पीस. आपको मैंने ये ऑफलाइन हॉल करके एक वीडियो किया था, उसमें दिखाया था. ये नीचे ऑटोमन है, ऐसे पूरा मैक्रमे का बना हुआ है, हैंडमेड है, काफ़ी भारी पीस है ये. ओके, ये देखो, और उसके ऊपर ही ऐसे गद्दी है. ये पीस एक्चुअली मुझे लगता है जाता नहीं है मेरे पूरी वाइब के साथ, ये कलर मतलब, बट इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल पीस. और मुझे इतने प्यार से विश्वा ने भेजा था कि मैंने कहा ये कलर की वजह से हो ही नहीं सकता, मैं इसको पार्ट ना बनाऊँ. मैंने इसको अपना पार्ट बनाया लिविंग रूम का. और इसके ऊपर यहाँ पे तीन लैम्प्स लगे हुए हैं. अगेन अ फ्रेंड गिफ्टेड मी दिस, इज सेट ऑफ थ्री लैम्प्स और एक है येलो, एक है पिंक और एक है मिंट ग्रीन. ये तीन का सेट है, बहुत सुंदर लगता है मुझे. जब मेरे आंखों के सामने आया था मुझे नहीं पता था कि ये इतना सुंदर लगेगा. इसको इसीलिए मैंने बिल्कुल एकदम सेंटर में लगाया लिविंग रूम के. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया, जो कि जब हम यहाँ से एंटर हुए थे तो मैं आप लोगों को ले गई थी लेफ्ट हैंड साइड पे. अब मैं आपको लेके जा रही हूँ राइट हैंड साइड पे एंटर होते ही. काफ़ी मिनिमल है आई नो, बट दिस इज़ हाउ आई वॉन्टेड टू डू दिस. यहाँ पे आई वॉन्टेड दिस टू बी द मेन थिंग, ज्योति सेठी का नियॉन साइन. ये जब मैं आती हूँ सबसे पहले हम लोग इसी को ऑन करते हैं, बिकॉज इट गिव्स मी थोड़ा सा ऐसे पुश, ज्योति सेठी, बिकॉज ठीक है. तो उसके नीचे हमने यहाँ पे एक बड़ा सा ऐसे फ्रेम, मतलब ऐसे पेंटिंग टाइप का रखा हुआ है चीज़, डेकोर आइटम. ये भी मैंने अमेजोन से ही लिया था. ये ना मुझे एक्चुअली लगवाना था दीवार पे और इस नियॉन साइन को थोड़ा ऊपर करना था, बट वाई वी डिडंट डू इट, बिकॉज पीछे काफ़ी सारी वायरिंग हो रखी है, स्विच बोर्ड है, वायर्स है, नियॉन साइन भी उसी की वजह से चल रहा है. तो अगर मैं इसको ऊपर लगा रही थी तो इट वॉज नॉट मेकिंग सेंस, सारी वायर्स फिर भी दिख रही थी. तो इसलिए हमने इसको यहाँ नीचे इस तरीके से रखा और यहाँ पे नियॉन साइन लगाया, बाकी सब हमने प्लेन छोड़ा है. और इसके एक साइड पे यहाँ पे बहुत ही सुंदर ऐसे कीज़ लटकाने वाला चीज़ है. ये मुझे मिस्टर DIY से मिला था और गोल्डन कलर का है, बड़ा सुंदर और एरो बना हुआ है, तीर कमान टाइप. ये है, इसके ऊपर सारी मेरी चाबियाँ हैं और यहाँ पे ज्योति और कमल का एक ऐसे मुझे किसी ने गिफ्ट किया था वो लटका दिया है. देन वी हैव दीज टू कोस्टर्स हियर, ये भी मुझे यहीं से आए थे, इनको मैंने यहाँ पे रख दिया है. एक के यानी माय हस्बैंड कमल एंड एक जे यानी मैं ज्योति, इन दोनों को मैंने यहाँ पे ही रख दिया है. एंड इसके दूसरी साइड पे यहाँ पे एक डायरी है, उसके ऊपर ये एक एक्रेलिक का बुक है
और क्लॉक है जो मैंने आईकिया से ली थी। सो या सारे प्रोडक्ट्स को डिटेल में मैं अच्छे से नीचे लिंक डाल दूंगी, तो आप तब देख लेना। अभी मैं सब एक्सप्लेन करती आई तो बहुत टाइम हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन। तो यहाँ पे हमने रखा है आईकिया का एक टेबल, क्योंकि ये जगह खाली थी ऑनेस्टली और कुछ समझ नहीं आ रहा था। सो वी गॉट दिस टेबल। टेबल में नीचे वाले यहाँ पे शेल्फ पे ये एक बॉक्स है जो मैं क्रॉफर्ड मार्केट से लेके आई थी। उसके अंदर मैंने सारे के सारे मास्क है ना जो वो रख दिए हैं, और मतलब आते जाते ऐसे डिस्पोजेबल खो जाए तो यू नो वी हैव इनफ मास्क इन द ऑफिस। उसके बाद ऊपर यहाँ पे अगेन एक टेबल मैट है जैसा आपने उस टेबल पे देखा, बट ये पिंक कलर का है, वो ग्रीन कलर का था, पिंक है। उसके ऊपर ये रेड केटल है जो मैं क्रॉफर्ड से लेके आई थी। देन देर आर कैंडल्स हियर। ये दोनों बंजारा मार्केट की हैं बाय द वे, और बहुत ही बंजारा मार्केट का तो सामान बहुत ही सस्ता था। एंड देन इसके ऊपर हम लोगों ने यहाँ पे ये तीन फ्रेम्स लगाए हैं, काफ़ी रीजनेबल अमेजोन पे मिल रहे थे, 3 का सेट मिल रहा था, तो यहाँ पे तीनों लगा दिए हैं। और इस कॉर्नर के ऊपर अगर आप देखोगे तो ये लैम्प लगा हुआ है जो मैं बंजारा मार्केट से लेके आई थी। गाइस इट्स सो चीप, अराउंड 250 रुपीज का था ये लैम्प। इट्स एग्जैक्टली, इट्स सो ब्यूटिफुल। इतना सुंदर ऐसे वो रोप वाला डिज़ाइन है इस पे, एंड विद बल्ब इट कॉस्टेड मी 250 रुपीज। दिस इज़ फ्रॉम बंजारा मार्केट। उसके बाद दिस इज द पैसेज टू द किचन, दिस इज़ द वे टू द किचन। तो यहाँ पे ये काफ़ी सूना लग रहा था, तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसे ये लीव्स वाली जो बेल गार्लैंड होती है वो लगा दी है, और किचन में आपको बाद में दिखाती हूँ। उसके बाद मूविंग ऑन टू दिस एरिया, यहाँ पे मैंने अगेन 2 शेल्फ्स का सेटअप किया है जिस पे मैंने कैंडल्स रखी हैं और वास रखे, और वास में इसमें ये वाले फ्लावर्स लगे हैं मिंट कलर के, एंड देन दिस वन आई हैव केप्ट जस्ट लाइक दैट। बिकॉज क्या होता है, ये जो डिकोर का सारा सामान होता है ना, ये काफ़ी हिलता डुलता रहता है, बिकॉज अगर मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो समटाइम्स आई वांट टू कीप दिस इन द बैकग्राउंड, समटाइम्स आई वांट टू कीप दिस फ्लावर्स इन द बैकग्राउंड, तो वो काफ़ी हिलता रहता है। बट या मोर और लेस यही रहता है सेटअप। ओके, मूविंग ऑन। ये मेरा फेवरेट कॉर्नर है, वो इसलिए क्योंकि एक ऑफिस है, और ये एक ऐसा स्पेस वाइब देता है जो प्रॉपर ऑफिस वाला वाइब देता है। वी हैव अ स्टडी टेबल, मतलब ऑफिस टेबल हियर, चेयर, लैपटॉप, क्लॉक एंड आर स्टेशनरी के आइटम्स थोड़ी सी, एंड देन वी हैव दिस ब्यूटिफुल प्लांटर। ये आर्टिफिशियल है बट बहुत सुंदर लगता है, काफ़ी डिफरेंट है। और उसके बाद बाय द विंडो वी हैव दिस ब्यूटिफुल ऐसे तीन बने हुए हैं, मतलब बंदे बने हुए हैं और उनके ऊपर सक्यूलेंस हैं। और क्योंकि यहाँ से ऐसे बाहर का नज़ारा भी दिखता है थोड़ा, तो बड़ा सुंदर लगता है। ऐसे बाहर पूरी हाई राइज बिल्डिंग्स हैं तो सुंदर लगता है। एंड देन वी हैव यहाँ पे स्टार वाली ऐसे फेरी लाइट जो होती हैं वो, एंड आई रियली लव दीज कर्टन्स, दे गो विद माई सोफा एंड माई कुशन सो वेल। मतलब एग्जैक्टली सेम है, रेड और येलो प्रिंट है, एंड ये मैंने आइकिया से लिए थे। आई लव दीज कर्टन्स। और या दिस इज़ इट, दिस इज़ द होल सेटअप। यहाँ पे मैंने 2 प्लांट्स रखे हुए हैं दोनों साइड्स पे, एंड इट लुक्स आई थिंक अमेजिंग। आई लव दिस कॉर्नर। मूविंग ऑन टू ये डोर है यहाँ पे, ये बेडरूम है जो एक्चुअली हमारा वर्क स्पेस ही है, बट ये बेडरूम है। देन वी हैव 1 टॉयलेट, देन वी हैव अनदर टॉयलेट। इन दोनों टॉयलेट्स के बीच में दिस इज़ द स्पेस जहाँ पे मैंने आइकिया की एक ट्रॉली रखी है, और उस पर खूब सारा सामान है। लाइक वी हैव अ लॉट ऑफ स्किन केयर एंड टावल्स एंड एवरीथिंग हियर, क्योंकि बगल में बाथरूम है तो बाहर निकल के इफ़ यू नीड अ टावल टू वाइप योर हैंड्स और समथिंग लाइक दैट, तो वी हैव अ लॉट ऑफ दोज स्टफ हियर। देन यहाँ पे मैंने जो हमारे फ्लावर्स यूज़ होते रहते हैं, एक्चुअली हम वीडियो के बैकग्राउंड में चेंज करके लगाते रहते हैं, वो सब है यहाँ पे एक्स्ट्रा वाले फ्लावर्स। उसके बाद यहाँ पे एक ही पीआर बॉक्स है, और एक नीचे मैंने रिसेंटली एक परफ्यूम खरीदा था उसका डब्बा है, एंड दिस इज़ इट। और उसके ऊपर यहाँ पे मैंने अमेजोन से, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये स्टिक ऑन वाले ऐसे सेट मिल रहा था, मैंने कहा चलो ठीक है, इट्स गोइंग विद दिस, क्योंकि फ्लावर्स और कलरफुल। ना इसके ऊपर मैंने एक और यहाँ पे लैम्प लगा हुआ है जो अगेन आपको देखोगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर है, लाइक वो एक चौरस डिज़ाइन था और ये वाला ट्राइंगल बना हुआ है, बट सेम जूट रोप वाला टाइप का ही सीन है। दिस ऑल्सो कॉस्टेड मी ओनली 250 रुपीज़, तो इसको मैंने यहाँ लगा दिया है। सो देर आर टोटल एक्चुअली 5 लैम्प्स इन दिस लिविंग रूम अलोन। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं लैम्प्स, एंड रिसेंटली आफ्टर पुटिंग दीज लैम्प्स आई फॉलन इन लव विद द सीलिंग लैम्प्स। देन यहाँ पे दूसरा बाथरूम है जो मैंने आपको बताया। नाउ वी हैव रीच्ड द सेम कॉर्नर जहाँ से हमने शुरू किया था, सोफा वाला कॉर्नर। व्हाई आई एम टेकिंग यू बैक हियर, बिकॉज ये आपने नहीं देखा है, यहाँ पे
ये कुछ बुक्स हैं, बुक्स के ऊपर ये एक पॉट रखा हुआ है और उसके अंदर प्लांट है. अगेन ये आर्टिफिशियल प्लांट है बिकॉज जब बहुत अंदर जहाँ पे बिल्कुल सनलाइट नहीं पड़ती है ना, वहाँ पे प्लांट को मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है. सो आई हैव केप्ट एन आर्टिफिशियल प्लांट हियर. उसके आगे कैंडल्स हैं एंड ये कुछ ड्राइड फ्लावर्स हैं. सो या दिस इज द होल सेटअप. उसके बाद सोफे के ऊपर जो था वो तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं. दिस इज द ऐसे सूरज देवता ऑफ दिस हाउस. और ये मैं बंजारा मार्केट से लाई थी. अभी मैंने थोड़े टाइम पहले ऐसे कुछ मिनट्स पहले किसी से अपने घर में अभी ये जो कैमरे के उस पार है उनसे पूछा है, तुमको क्या लगता है कितने का होगा? 4-5 हज़ार का तो होगा. गाइज आई गॉट दिस फ्रॉम बंजारा मार्केट. इट्स अ ब्यूटिफुल पीस एंड इट जस्ट फॉर 650 और 750 रुपीज़ के अराउंड है. मैंने बंजारा मार्केट वाले हॉल में इसको दिखाया हुआ है. सच अ ब्यूटिफुल पीस सोफे के ऊपर. जस्ट दिस एट द कॉर्नर इज लुकिंग नाइस. सो या दिस इज ऑल दैट वी हैव इन द लिविंग एरिया. बहुत ज़्यादा भी नहीं है, बहुत ही कम भी नहीं है. आई थिंक इट्स एप्ट मेरी चॉइस के हिसाब से एटलीस्ट. सो या नाउ वी विल मूव ऑन टू द किचन गाइज. किचन का एंट्रेंस ये है जो मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ. आई लव द किचन. आई डोंट नो वाई दिस नॉट इवन अ लॉट इन द किचन गोइंग ऑन, बट फिर भी मुझे अच्छा लग रहा है यार, क्यूट लग रहा है अपना किचन. तो सबसे पहले तो आप लोग नोटिस करोगे अगर आपने एम्प्टी हाउस टूर देखा था इस घर का, कि यहाँ पे ये किचन कैबिनेट्स नहीं थे. तो सबसे पहले तो मैंने किचन में कैबिनेट्स लगवाए, जिसमें ज़्यादा मोटा पैसा गया है मेरा बाय द वे. इस घर में पूरी डिकोर में सबसे महंगा यही हुआ है. सो आई हैव गॉट अच्छे वाले ब्लैक कलर के किचन कैबिनेट्स. नाउ आई नो इट्स एन ऑफिस स्पेस तो मैंने किचन कैबिनेट्स क्यों लगवाए, बट ऑनेस्टली मेरे लिए ही ऑफिस स्पेस है. बट कल को आने वाले वक्त में इफ़ आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई बिजनेस, और मुझे लगता है कि मुझे ये घर भी छोटा पड़ रहा है एंड आई मूव टू अ बिगर हाउस फॉर माई वर्क स्पेस एंड आई गिव दिस ऑन रेंट. तो आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक दिस हाउस सो मच लाइक एन ऑफिस के रेंट पे नहीं चढ़े ये घर. सो आई थॉट कि एक काम करते हैं, किचन में कैबिनेट्स किचन वाली ही रखवाते हैं, बट वील यूज़ देम एज आर स्टोरेज. यानी कि अगर आप खोलोगे तो इसके अंदर बर्तन कम है. और ऐसे दिखाती हूँ एक्चुअली आपको. देखो अगर हम ये खोलेंगे तो इसके अंदर हमारी ऐसी चीज़ें हैं लाइक पैकिंग पेपर, ये सब. उसके अंदर फ्लावर्स हैं और ये सब चीज़ें हैं. तो हम इसको अपनी स्टोरेज की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं. सो हमारा भी फ़ायदा हो गया, लेकिन कल को अगर मैं ये घर रेंट पे देती हूँ तो उन लोगों को भी ऐसा नहीं लगेगा, अरे ये कैसा घर है, ऑफिस दिख रहा है. एनीवे नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ से. दिस इज़ द रेफ्रिजरेटर आई बॉट फ्रॉम Amazon. सिंपल है, अच्छा है, बट आई लाइक द कलर. उसकी वजह से मुझे बहुत अच्छा लगता है फ्रिज. सो दिस इज़ द फ्रिज. अंदर जैसे नॉर्मली हम फ्रिज में रखते हैं चीज़ें वही हैं. ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ही थोड़ा सा ऐसे मिसलेनियस टाइप की चीज़ें हैं. ये सारे मसाले हैं बिकॉज हम क्योंकि यहाँ पे सारा दिन होते हैं, तो आई लाइक टू ईट सैलड ऑल्सो हियर. आई समटाइम्स कट फ्रूट्स हियर ऑल्सो टू ईट. तो उनके ऊपर कभी चाट मसाला डालना है, कभी नमक डालना है, कभी आई डू ये पनीर सौते कर लेती हूँ मैं यहीं पे. तो उसके लिए मुझे काली मिर्च वगैरह और नमक वमक सब लगता रहता है. तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सारे ऑलमोस्ट मसाले रखे हुए हैं. यहाँ पे खाली बास्केट्स हैं और ये एक डब्बा है, इसके अंदर शुगर रखी हुई है. कोई कारण नहीं था, ये डब्बा मुझे बहुत सुंदर लगा होम सेंटर पे तो मैंने ले लिया. आई थॉट सुंदर लगेगा. और उसके अंदर कुछ नहीं था, मैंने चीनी भर दी. और यहाँ पे हमारे दो प्यारे प्यारे भगवान हैं जो मुझे मेरे फ्रेंड्स ने गिफ्ट किए थे जब इस घर का हाउस वार्मिंग हुआ था. तो ये गणेश जी और लक्ष्मी जी हैं जो मैंने यहाँ पे रखे हैं, बिकॉज किचन में भी एक थोड़ा सा मुझे चाहिए था कि क्योंकि यहाँ पे हम खाना वाना सब हमारा होता है, तो यहाँ पे मुझे भगवान जी चाहिए थे. तो यहाँ हमने फ्रिज पे रखे हुए हैं. अब इसके ऊपर आप देखोगे बहुत ही क्यूट है. ये ऐसे प्लांट्स बने हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, ऐसे कोई कैक्टस है, कोई कुछ है, कोई कुछ है. तो ये चार का सेट है, स्टिकॉन्स हैं, बड़े सुंदर लगे यार मुझे. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीसेंट एडिशंस दैट आई हैव डन एंड मुझे बहुत अच्छे लगे ये. तो ये चार का सेट है और बड़े इजी थे, ऐसे पीछे से चिट ऐसे वो टेप निकालो और चिपका दो. चार का सेट था, लुक वेरी नाइस. और इससे क्या होगा, हमारा ये पूरा ऐसे फ्रिज वाला कॉर्नर तैयार हो गया, अदरवाइज वॉल बहुत एम्प्टी लग रही थी. ओके मूविंग ऑन टू द उसके बगल वाला एरिया जहाँ पे हमारा माइक्रोवेव है. इसी में हम सब कुछ ऐसे जो भी लंच आता है और वो सब गरम करते हैं इसी में. इसी में मैं कुछ कुछ बॉयल भी करना होता है तो सब इसी में करती हूँ. देन इसके ऊपर मैंने यहाँ क्रॉफर्ड से लाके
ये एक डिकोर आइटम लगाई हुई है जिसके अंदर मेरी ग्रीन टीज हैं और नॉर्मल ब्लैक टी है, हिबिस्किस चाय है. सो दिस इज द सेक्शन फॉर ऑल द चायज दैट आई ड्रिंक. और उसके बगल में यहाँ पे ऐसे स्पाइडर मैन का एक मग पड़ा है और ये एक पॉपकॉर्न का टब है जो मुझे अगेन एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, मुझे नहीं, मेरे हस्बैंड को, और मैंने उससे मार लिया ऐसे कि मैं ये लेके जाऊँगी स्टूडियो. उसके बगल में ऐसे बॉन्जाई का प्लांट है जो मुझे एक फेलो यूट्यूबर ने गिफ्ट किया था बहुत पहले, तो मैंने उसको यहाँ पे रखा हुआ है. और उसके बाद भी है वो बास्केट हियर, यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं और सीड्स हैं और यहाँ पे ऐसे थोड़ी कटलरी वटलरी है, नाइव्स वगैरह इसके अंदर हैं. देन देर इज़ अ पीनट बटर का डब्बा हियर, मिल्क पाउडर, ये पीआर का डब्बा था, इसको बहुत अच्छे से यूज़ किया गया है यहाँ पे. एंड देन यहाँ पे हमारे माइक्रोवेव वाले ग्लव्स हैं, जब चीज़ें बहुत गर्म हो जाती हैं तो नहीं उठती हैं तो इसी को यूज़ करते हैं. देन मूविंग ऑन टू दिस, इसके ऊपर किचन कैबिनेट्स के ऊपर अगर आप देखोगे तो वहाँ पे मैंने ऐसे दो पीआर के बॉक्सेस रख दिए हैं. वी डिडंट हैव एनीथिंग यहाँ पे रखने के लिए, आई डिडंट वांट टू स्पेंड मोर मनी फॉर किचन, तो आई थॉट ये अच्छे लग रहे हैं ये रख देते हैं. उसके बगल में आई गॉट दीज टू, ये मतलब मुझे किचन का हाईलाइट लगता है जब मैं बाहर से भी ऐसे देखती हूँ ना कि ऐसे किचन दिखती है तो सबसे पहले यही दो फ्रेम्स दिखते हैं एंड आई रियली लव देम. ये भी मैं होम सेंटर से लेके आई थी और एक पे लिखा है किचन, एक पे लिखा है मेन्यू और बहुत सुंदर लगते हैं. कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, हमारी पूरी वाइब के साथ जा रहे हैं, अगेन रेड एंड येलो. उसके बाद आई विल शो यू वेरी इंटरेस्टिंग थिंग जो कि है हमारा पानी का स्टोरेज. आई नो पानी का कलर बहुत डिफरेंट लग रहा है आपको, बट दिस इज द वाटर वी ड्रिंक दीस डेज बिकॉज वी आर ट्राइंग टू बी हेल्दी. नहीं सच्ची है, पी रही हूँ ये वाला पानी. सो मैं होम सेंटर से ही वापस से ये एक लेके आई सेट. इसके ऊपर दो वाटर स्टोरेज के ये ऐसे है, इसके अंदर ना ऐसे एक फिल्टर टाइप की चीज़ है जिसके अंदर व्हाट वी डू इन द मॉर्निंग, हम ऐसे कुकुम्बर या जो भी हमारे पास अवेलेबल होता है वो काट के डाल देते हैं. एक्चुअली हम सिर्फ एक ही तैयार करते हैं अदरवाइज, बट आज क्योंकि ये शूट चलना था, माई वीडियोग्राफर हैड टू कम एंड बहुत कुछ होना था तो मैंने एक एक्स्ट्रा कर दिया, बट अदरवाइज हम एक ही तैयार करते हैं. तो एक में मैंने ऐसे कुकुम्बर डाला हुआ है, अभी वो क्या होता है वो कुकुम्बर वाला पानी बन चुका है. सो जब हम पानी पीते हैं वो एक तो फ्लेवर्ड होता है और थोड़ा हेल्दी हो जाता है. कुकुम्बर वाटर इज़ रियली गुड फॉर यू बाय द वे. और एक में हमने फ्रूट्स रखे हुए हैं, इसमें एक में ऑरेंज और एप्पल है, तो दोनों का पानी का टेस्ट डिफरेंट है एंड इट्स वेरी हेल्दी एंड इट्स वेरी टेस्टी, तो इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है. दिस होल सेट आई थिंक वाज अराउंड फॉर ₹1500 एंड इसको भी मैंने दपोच लिया बिकॉज इट्स अ वेरी कूल थिंग एंड इससे आप हेल्दी पानी पियोगे यार. ओके मूविंग ऑन, ये वाले कैबिनेट्स के ऊपर हमने अगेन ऐसे एक तरफ तो पीआर का ही डब्बा पड़ा है, कुछ नहीं था तो, और दूसरी तरफ ये ट्रंक मैं लेके आई थी क्रॉफर्ड से येलो कलर का, तो इसको मैंने वहाँ पे डाल दिया है. एंड वी हैव अ लॉट ऑफ स्टोरेज हम बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, तो कुछ भी डालना है तो मैं इन ट्रंक्स के अंदर भी डाल सकती हूँ. मूविंग ऑन, इस कैबिनेट के नीचे यहाँ पे एक आउल वाला, ये मैं खंडाला से लेके आई थी, आउल बना हुआ है, एक पॉट है और उसके अंदर मैंने ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगाए. बेसिकली वी हैड नथिंग फॉर दिस, तो हमें लगा ये बेस्ट फिट है यहाँ के लिए और ये हमने रख दिया. देन दिस इज़ आर सिंक एरिया, नॉट फैंसी एट ऑल, सिंपल किसी भी घर और ऑफिस की तरह ये हमारा एरिया है जहाँ पे जो भी हम अभी हम क्योंकि लंच करके हटे हैं तो ये लंच के बर्तन हैं जो साफ़ हुए हैं. तो ये टोकरा बड़ा सुंदर सा टोकरा है, तो ये मैंने आइकिया से लिया था, अच्छा खासा सुंदर है, क्यूट है. और इधर अगर आप देखोगे तो सिंक के ऊपर ये देख रहे हो आप, यू बी माई कप ऑफ चाय, आई विल बी योर पाइंट ऑफ बियर, ये लगाया हुआ है. ये मुझे अगेन मेरी एक फ्रेंड सनोबर ने दिया था तो इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है. और दिस इज इट गाइज फॉर द किचन, बट आई रियली लाइक माई किचन, आई कॉन्ट डू एनी थिंग अबाउट इट, आई लाइक इट सो मच. ओके तो ये था हमारा लिविंग रूम और किचन. ओके नाउ आई एम टेकिंग यू गाइज टू द बेडरूम विच इज नॉट अ बेडरूम. It is a bedroom, but we don't use it as a bedroom. We use it as the shooting space. यहाँ पे हम सारी videos shoot करते हैं. So let's go inside. अरे मुझे कहाँ छोड़ दिया? Okay. तो this is our shooting space. It's a small bedroom. बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है. अगर इसके अंदर bed लग जाता ना, फिर ये ख़त्म हो जाता मतलब. ठीक है ना? फिर हम कहीं shoot ना कर पाते. So that is why. एक्चुअली कमल इंसिस्टेड, मैं तो बोल रही थी छोटा सा बेड रख लेती हूँ छोटा सा, बट माई हस्बैंड सेड कि ज्योति जिस दिन तूने वहाँ बेड डाल लिया ना यू वॉन्ट वर्क, यू लाई डाउन एंड यू नो फिर बस कहानी अलग हो जाएगी, डू नॉट पुट अ बेड. सो बहुत अच्छा हुआ कि नहीं डाला. नाउ वी यूज़ दिस एज आर शूटिंग स्पेस. आप सबसे पहले पीछे ही ले जाती हूँ आपको, जो आपको दिख रहा है ऑलरेडी कि ये काफ़ी अजीब सी सेटअप क्यों है यहाँ पे. सो दिस इज़ आर बैकग्राउंड सेटअप.
राइट नाउ दीज डेज करंटली वी आर शूटिंग विद दिस वाइट नेट, जिसको यहाँ से ऐसे क्लिप्स यानी क्लैम्प्स की मदद से बांधा हुआ है. सो दिस वी आर शूटिंग एज आर बैकग्राउंड इन करंट वीडियोस. उसके बगल में यहाँ पे टेबल रखा हुआ है, क्योंकि कोई ना कोई वास यहाँ पे चेंज होता रहता है, फ्लास्क चेंज होते रहते हैं, तो वी कीप दोज वासेज हेयर ऑन दिस टेबल. सो दिस इज आर शूटिंग का बैकग्राउंड. अब ये जो बैकग्राउंड है उसके आगे मैंने यहाँ पे एक रग डाला हुआ है, बिकॉज आई सिट ऑन द फ्लोर वाइल आई शूट, तो ऑब्वियसली वी नीड समथिंग टू सिट. एंड मैं चेयर और सोफा और ये सब पे शूट करने में कभी कंफर्टेबल नहीं होती, तो इसलिए ये रख डाला है. नाउ दिस वॉज फ्रॉम अ चाइनीज वेबसाइट दैट आई बॉट फ्रॉम लाइक अ लॉन्ग टाइम अगो, सो आई एम नॉट श्योर इफ आई विल बी एबल टू गिव द लिंक फॉर दिस वन, बट आई एम श्योर देर आर मेनी यू नो सिमिलर रग्स इन कार्पेट्स ऑन Amazon. सो या दिस इज द वन. अब मैं आपको वापस लेके चलती हूँ और हम एक ऑर्डर में चलते हैं, कहाँ से रूम शुरू होता है और कहाँ से क्या होता है. तो यहाँ से हम रूम में एंटर हुए थे, और अगर आप देखोगे तो एंटर होते ही लेफ्ट पे ये एक IKEA का लैम्प है, जो मेरे घर में भी है एक्चुअली. आई लाइक इट सो मच कि मैं यहाँ के लिए भी ले आई इसको. ये रखा है. देन आफ्टर दैट वी हैव अ स्मॉल टेबल, एक एक्स्ट्रा टेबल जैसा बैकग्राउंड में रखा हुआ है वैसा ही एक और, क्योंकि कई बार दो की ज़रूरत भी पड़ती है. सो आई हैड ऑर्डर्ड टू. एंड यहाँ पे एक मैंने प्योर होम लिविंग का ये रखा हुआ है पॉट, और उसके अंदर अगेन एक प्लांट लगाया हुआ है जैसा मेरा बाहर भी लगा हुआ है. बगल में एक वैनिटी है. वैनिटी काफ़ी पुरानी है, काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रही हूँ, आई थिंक 2 साल हो गए होंगे. ये वैनिटी में बहुत सारी चीज़ें हैं. वी हैव अ लॉट ऑफ मेकअप हेयर, वी हैव अ लॉट ऑफ हेयर का सामान हेयर, देन हेयर देर इज़ अ लॉट ऑफ स्किन केयर. तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें. एंड ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये प्यारे से बहुत सुंदर से बुद्धा जी हैं, और ये मैं होम सेंटर से ही लेके आई थी, एंड बहुत प्यारे हैं ये. गोल्डन कलर के गोल्डन पेंट हो रखा है. देन यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्किन केयर है, ये चेंज होता रहता है, जो जो मैं यूज़ करती रहती हूँ वो सब डलता रहता है. देन दिस इज़ हैशटैग लव मेकअप का एक ब्रश का होल्डर, ये मुझे कमल ने मेरे हस्बैंड ने गिफ्ट किया था. वाई आई एम कॉलिंग हिम माई हस्बैंड बार बार, बिकॉज अगर आप लोग पहली बार वीडियो देख रहे हो तो आप लोग बोलोगे कमल कौन है, सो दैट्स वाई. फॉर पीपल हु नो हिम ऑलरेडी, कमल. ओके नाउ हियर यहाँ पे वी हैव ये क्रॉफर्ड मार्केट से मैं एक ऐसा डेकोर आइटम लेके आई थी, जिसके अंदर मैंने अपने सारे परफ्यूम्स प्लेस कर दिए हैं. दीज आर ऑल द परफ्यूम्स जो मैं यूज़ करती हूँ. एंड देन उसके ऊपर जो मैंने बाहर आपको ऑटोमन दिखाया, मुझे विश्वा नरवाल मैक्रमे आर्टिस्ट ने भेजा था, उन्होंने ही मुझे ये सेकेंड पीस भेजा था उसी के साथ में, तो उसको मैंने यहाँ पे लगा दिया है. एंड देन यहाँ पे एक और इंस्टाग्राम पेज है द कलरिंग कैनवस नाम का, उन्होंने मुझे एक ये टोट बैग भेजा था जिसपे लिख के भेजा उन्होंने मुझे ज्योति यार. एंड सबसे अच्छी चीज़ ये है कि स्पेलिंग गलत नहीं लिखी है. अक्सर ज्योति में लोग सिंगल आई लगा के भेज देते हैं, बट आई हैव डबल आई इन माई स्पेलिंग एंड शी नोटिस दैट, थैंक गॉड. तो ये मैंने यहाँ पे टांग दिया है, सुंदर तो है ही, प्लस ऊपर से मेरा नाम लिखा है इस पे, सो दैट इज़ वाई. देन दिस इज़ इट फॉर दिस साइड. देन यहाँ पे ना, अब आप बोलोगे ये मंदिर है यहाँ पे क्यों है इतना कॉर्नर में. जब गृह प्रवेश हुआ था इस घर का, यानी हाउस वार्मिंग हुई थी और पंडित जी ने आके हवन किया था यहाँ पे, तो मैंने उनसे उसी दिन पूछा था कि मंदिर कहाँ बनाऊँ, पंडित जी आप बताइए. तो उन्होंने मुझे बोला था दिस इज़ द स्पेस फॉर योर मंदिर. तो आई मेड श्योर दैट आई मेड माई मंदिर हियर. यहाँ पे मैंने ज़्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं किया, सिर्फ एक शेल्फ लगाया है, उसके ऊपर मेरे गणपति जी हैं, और यहाँ पे ऐसे ये अगरबत्ती जिस पे हम जलाते हैं, ये स्टैंड रखा हुआ है अगरबत्ती का. देन सिंस आई डिड नॉट हैव अ प्रॉपर ऐसे मंदिर बड़ा सा, मुझे स्पेस नहीं घिरवाना था और ज़्यादा, बिकॉज इस रूम को मुझे बहुत काफ़ी खाली रखना था, सो दैट यू नो वी हैव अ लॉट ऑफ स्पेस टू मूव अराउंड फॉर द शूट. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो फ्लावर्स मैं एज अ प्रॉप यूज़ करा करती थी अपने बैकग्राउंड के लिए, यहाँ पे कभी कभी हम यूज़ करते थे, उसमें से 4 मालाएं लेके मैंने ऐसे यहाँ पे खुद से लगाई हैं. ये तो मतलब ऐसे यहाँ पे स्टिक कर दी, और ये ऐसे अब देखो पूरा कितना सुंदर ऐसे मंदिर का लुक आ रहा है, और खूब सारे फूल हैं. और यहाँ पे हम क्रिसमस पे ऑर्नामेंट्स लेके आए थे जो क्रिसमस ट्री के लिए, वहाँ से 2 गोल्डन कलर के निकाल के यहाँ पे रख दिए. सो आई थिंक मंदिर बहुत सुंदर लग रहा है. एंड मंदिर मतलब ऐसे कोई ह्यूज होना ज़रूरी नहीं होता है, एक स्पेस होना चाहिए. वो भी नहीं हो मैं तो कहती हूँ कोई बात नहीं, भगवान आपके दिल में होता है यार, ऐसा कुछ नहीं कि मंदिर होना ही चाहिए घर में. बट या आई वॉन्टेड अ मंदिर इन दिस हाउस, तो ये स्पेस हमने मंदिर बनाया. उसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्पेस,
जगह कम है, सामान ज़्यादा है, बट ये यहीं रखना ज़रूरी था। यहाँ पे हमारे वो कपड़े होते हैं जो हम शूट पे पहन रहे होते हैं अगले दिन, जैसे आज मैंने जो सुबह शूट किया है उसमें मैंने ये साड़ी पहनी थी, तो इस तरीके से हम यहाँ पे वो कपड़े लगा देते हैं जो हम शूट में इस्तेमाल करने वाले होते हैं। देन अगर आप नीचे देखोगे तो नीचे यहाँ पे कुछ फुटवेयर्स हैं, फ्लैट्स, अब आजकल मैं फ्लैट्स ही पहनती हूँ अक्सर, तो यहाँ पे कुछ फ्लैट्स हैं। एंड देन यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत ये वैनिटी है जिसके ऊपर जिस ब्रांड ने मुझे भेजी है, मैं नीचे लिख दूंगी, सब कुछ चेक कर लेना प्लीज़। तो उन्होंने मुझे ये वैनिटी बना के भेजी और ऊपर लिख के भेजा है ज्योतिज वैनिटी। तो ये बहुत सारे इसके अंदर ड्रॉर्स हैं, पहला ऐसे ये ऐसे ओपन होता है जिसके अंदर खूब सारे मेरे ऐसे लेंसेज हैं, फ़ोन कवर्स हैं, और फिर देन देर इज़ अनदर ड्रॉर जिसमें मैंने खूब सारी आई लैशेज रखी हुई हैं, देन देर इज़ अ ड्रॉर अगेन सो मैनी आई लैशेज, देन आई हैव माई वॉचेज हेयर। इस तरीके से सारे ड्रॉर्स हमने यूज़ किए हुए हैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए। बाय द वे इसके लिए मैंने इंस्टाग्राम पे पूछा था जिस दिन ये वैनिटी आई थी कि इसमें मैं क्या रखूँ बताओ, तो आप लोगों ने मुझे सजेशन दिया था, उसमें से जो मुझे बेस्ट लगा वो मैंने किया, यानी वॉचेज, आई लैशेज और ये सब रखा। एंड दिस इज़ द स्टैंड दैट आई गॉट फ्रॉम आईकिया, बहुत अच्छा है, बस इतना है कि जगह ज़्यादा लेता है, सो अगर जगह का कंस्ट्रेंट है तो आई थिंक यू कैन अवॉइड दिस, मत लेना। जैसे मेरे पास यहाँ कंस्ट्रेंट है, बट ये मेरे पास ऑलरेडी था तो इसलिए मैं इसे यहाँ पे लेके आई, अदरवाइज मैं नहीं लेती, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, बट एनीवे ठीक है, यूज़ कर लेते हैं, अच्छा लगता है। देन मूविंग ऑन टू दिस एरिया, उसके बगल में यहाँ पे एक छोटी सी वैनिटी रखी हुई है, अगेन इट हैज़ अ लॉट ऑफ मेकअप, लॉट ऑफ मेकअप, सारे पूरे फुल हैं सिर्फ मेकअप से, सारे के सारे ड्रॉर्स में मेकअप है। उसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मैं क्रॉफर्ड से लेके आई थी जो चीज़ें, उसमें पहले ये पूरा सेटअप लेके आई थी, ये रखा हुआ है। देन यहाँ पे एक बंजारा मार्केट का ऐसे डिकोर पीस है जिसके अंदर मैं जो ज़्यादा पहनती हूँ इयररिंग्स, वो वाले इयररिंग्स रखे हुए हैं। देन दिस इज़ अ पीआर पैकेज एंड यहाँ पे कुछ ब्रशेज रखे हुए हैं जस्ट टू फिल सम स्पेस बेसिकली। इसके ऊपर यहाँ पे अगेन हाफ साइज की विंडो है जिसपे हमने, आप देखोगे कि ये क्या किया हुआ है, वाइट कर्टन भी है और बगल में ब्लैक कर्टन भी है। सो वाइट कर्टन्स तो हमने ओरिजिनली लगाए ही थे बिकॉज आई लाइक वाइट कर्टन्स, बट ब्लैक क्यों लगाए, क्योंकि जब हम शूट करते हैं तो हम बाहर की लाइट यूज़ नहीं करते हैं, तो क्योंकि हमें बाहर की लाइट जब नहीं चाहिए होती है तब हम ब्लैक कर्टन्स को लगा देते हैं, बंद कर देते हैं, तो बाहर की लाइट ब्लॉक हो जाती है। एंड देन दोनों साइड पे मैंने अगेन ये वाली गार्लेंस लगाई हुई है, ये वाली बेल पत्तियाँ लगाई हुई हैं। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे भी मैंने वापस से सीलिंग लैंप लगाए हुए हैं, बट ये गिफ्टेड नहीं है, फ्रेंड ने गिफ्ट नहीं किए हैं, ये मैंने ख़रीदे हैं अमेज़ॉन से, अगेन गोइंग विद माई वाइब, गोल्डन कलर है तो बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं ये भी। एंड मैंने दो लगाए हैं, एक यहाँ पे लगाया है और एक मैंने यहाँ पे लगाया है, बिकॉज दो की स्पेस थी तो मैंने दोनों पे ये सेट मंगवा के ये लगा लिया है। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एरिया, दिस इज माई वार्डरोब, दिस इज माई अलमीरा, इट हैज़ एवरी थिंग, एवरी क्लोथ दैट आई ओन एक्सेप्ट द नाइट वेयर जो मेरा घर पे रहता है, यहाँ पे हमारा सब कुछ इसी के अंदर है बाकी। और इसके ऊपर अभी क्या हुआ था कि मुझे चाहिए था, मैं मेजरमेंट्स लेके गई थी आईकिया में कि मुझे एग्जैक्टली इस साइज़ का चाहिए, बट ऐसा नहीं होता, जहाँ पे रेडीमेड चीज़ें मिलती हैं ना वहाँ पे साइज़ का थोड़ा ऐसे 19-20 हो जाता है, तो मुझे ज़्यादा का तो पॉसिबल नहीं था, तो मैंने कम वाली ले ली बिकॉज दैट वाज द ओनली ऑप्शन इस मेजरमेंट के अंदर। नाउ आई हैड टू फिल अप द स्पेस, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पीआर बॉक्सेस रखे हैं कफ्स एंड लैशेस के जो निधि ने मुझे भेजे थे, तो मैंने यहाँ पे दो रख दिए, बीच में और जगह फिल करने के लिए बुक्स रख दी, देन ये एक वास रख दिया फ्लावर्स के साथ। दिस इज़ हाउ आई फिल दिस स्पेस, और ओरिजिनली प्लान था कि यहाँ पे थोड़े स्टोरेज बॉक्सेस रखूँ, बट देन ऑलरेडी बहुत भगवान की कृपा से स्टोरेज हो गई है घर में, वी डोंट नीड स्टोरेज, और स्टोरेज बॉक्सेस भी इतने महंगे मिल रहे थे जो अच्छे थे, जो मुझे पसंद आ रहे थे, तो मैंने कहा अभी फिर से 4-5 हज़ार और की इन्वेस्टमेंट करके अच्छा है मैं यही ऐसे ही फिल कर देती हूँ। सो ये डब्बे कफ्स एंड लैशेस के बड़े काम आ गए और ये बुक्स वगैरह से फिल हो गया। अब मैं आपको हल्की सी झलक दे देती हूँ अपने वार्डरोब के अंदर क्या है मेरे। सो काफ़ी, मतलब तहस नहस तो नहीं कहूँगी, बट काफ़ी मिसलेनियस सामान है, जैसे इस तरफ तो काफ़ी, जैसे यहाँ पे थोड़े लैपटॉप वगैरह के डब्बे हैं, पर्स हैंडबैग्स जो भी। देन ओ इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ, पास आओ, ये देखो यहाँ पे देयर इज़ अ लॉट ऑफ ज्वेलरी। एक्चुअली हम लोगों ने अभी ज्वेलरी फिल्टर करी है बहुत सारी, इसलिए कम है। सो मैंने स्पेशली ये दो ट्रेस इस अलमीरा में लगवाई थी आईकिया से, ताकि जिस पे मैं अपनी ज्वेलरी रख सकूँ। तो दिस इज़ ऑल दैट ज्वेलरी जो मैं अभी यूज़ करना चाहती हूँ, लाइक आई हैव टू यूज़ देम इन माई अपकमिंग वीडियोज, सो दैट्स वाई आई कैप्ट देम हियर। अदरवाइज बहुत सारी और ज्वेलरी है जो हमने बास्केट में डाल के ऐसे अंदर रखी हुई है। देन यहाँ पे कुछ बॉक्सेस हैं, देन अगेन मोर ज्वेलरी,
आयन, जो शूट के कपड़े आयन करने होते हैं, बैग है नीचे, देन दिस इज सिंगल डोर. अभी ये है डबल डोर. डबल डोर में हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले हैंगर्स का सेटअप है, यहाँ पे सब मेरे इंडियंस ही हैं, एक्चुअली इंडियन वेयर ही है यहाँ पे सारा. देन हियर वी हैव मेरे सारे कैमराज, गैजेट्स, ट्राईपॉड्स, और क्या, चार्जर्स, बहुत सब यही सामान है, बास्केट्स हैं उसके अंदर अच्छे से ऑर्गेनाइज किया हुआ है. देन यहाँ सेकेंड ड्रॉर में आई हैव थोड़ा और इंडियन वेयर. देन यहाँ पे आई हैव माई वेस्टर्न वेयर, जो मैं कम पहनती हूँ क्योंकि आई लव वेयरिंग इंडियन वेयर, तो दैट्स वाई. तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा वेस्टर्न वेयर रखा हुआ है. देन नीचे हमारे थोड़े और फुटवेयर हैं सारे के सारे, यहाँ पे हील्स वगैरह, क्योंकि मैं फ्लैट ज़्यादा पहनती हूँ तो वो मैं बाहर रखती हूँ और हील्स मैं अंदर रखती हूँ. सो दिस इज़ दी अलमीरा. देन मूविंग ऑन टू द लास्ट कॉर्नर, यहाँ पे आप देखोगे कि लाइटिंग सेटअप है, क्योंकि यहाँ पे हम शूट करते हैं, वो हमारा बैकग्राउंड है पीछे, तो यहाँ पे हमारा लाइटिंग का सेटअप है. देन यहाँ पे आप देखोगे बोर्ड है एक, तो यहाँ पे हम वो वीडियोस लिखते हैं जो हमारी कोशिश रहती है कि हमको बनाना है. जैसे अभी आप देखोगे, राइट नाउ आई एम शूटिंग दिस वीडियो, सी स्टूडियो टूर वीडियो, आई एम शूटिंग दिस वीडियो. इन द मॉर्निंग आई शॉट 2021 फेवरेट्स एंड आई शॉट वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक. तो ये तीन वीडियोस डन हो गई हैं. आप ऑलरेडी सीक्रेट सेंटर वीडियो देख चुके हो, क्रॉफर्ड मार्केट देख चुके हो. सो जो जो हम शूट करके डाल चुके होते हैं वो सब हम कट मारते रहते हैं या फिर रब कर देते हैं. सो दिस इज हाउ आई लाइक टू ऑर्गेनाइज माई सेल्फ इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, मतलब क्या शूट कर लिया है, क्या रह गया है, सो दैट आई नो कि अरे मैं भूल नहीं जाऊँ. यू नो व्हेन वी क्रिएट सो मच कंटेंट ऑन डेली बेसिस, कई बार आप भूल जाते हो कि अरे यार ये वाली वीडियो सोची थी रह गई. एनीवे, यहाँ से वापस हम बस निकलेंगे उस तरफ जहाँ का आप ऑलरेडी टूर देख चुके हो, हमारे लिविंग रूम का. यहाँ से भी एक ऐसे, मतलब इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लो एक बार कि कैसा दिखता है. Yes guys, this is it. This is what the studio looks like. I'm so proud of myself for this, and thanks for whoever helped me, supported me in creating this space. Big thanks to all of them. जिसने भी मुझे कोई सामान भेजा है या जिसने भी मेरे साथ जाके शॉपिंग किया है, एवरीबडी, सबके लिए थैंक यू. एंड फाइनली वी डिड इट, एंड आई रियली होप दैट यू गाइज लाइक दिस स्टूडियो. इफ यू डिड, प्लीज़ कमेंट्स कर दो यार, अच्छे अच्छे, बहुत मेहनत और बहुत पैसा गया है, प्लीज़ नीचे अच्छे से कमेंट्स तो कर ही सकते हो. एंड या, दिस इज़ इट गाइज, आई रियली होप दैट यू एंजॉयड. आई विल सी यू गाइज सुपर सून इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर गाइज.